أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام دیکھنے کا سبسکرائب کرنے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے آم کا جوس دودھ اور آم کا جوس بنائیں گے ये दूध है ये चीनी है और ये आम है इसका जूस बनाएंगे दिखाते हैं आपको ये जी आम का पहले सफाई करेंगे छिलका और गुठली को उतारेंगे तरीका दिखाता हूँ देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से चम्मच लेना और यहाँ से इस बीज को निकालना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप देखें ये जी देखें कितने आसानी से आम से छिलका उतार दिया और मगज़ ये पड़ा हुआ इस तरीके से आपने भी निकालना ये वो गुठली साइड है इसको भी इस तरीके से छीलेंगे इसको भी आसानी से पकड़ें ऐसे घुमाएं देखें ऐसे घुमाएं और ये जी बाहर निकल आ गया इसको भी इस तरीके से साफ करेंगे इसको चम्मच के ज़रिए साफ करेंगे बहुत आसानी से छिलका उतर जाता है हाथों को गंदा करने की ज़रूरत नहीं है आप इस तरीके से छिलका उतारा करें आम से बहुत आसानी से उतर जाता है सारा छिलका सारे आमों को इस तरीके से छिलका उतारेंगे दिखाएंगे आपको ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आमों से छिलका उतार दिया और ये भाई छिलके इस तरीके से आपने भी उतार देना चम्मच के ज़रिए से अगर आप आम को खाना चाहते हैं तब भी इसी तरीके से खाया करें चम्मच के साथ इसको अभी जूसर मशीन में डालेंगे जूस बनाएंगे दिखाते हैं आप अभी जूसर जग में डालते हैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ में चीनी डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच दूध डालेंगे साथ में अभी इसको जूसर मशीन पे रखेंगे जूस बनाएंगे ये जी जूस बन गया आप देखें माशाल्लाह कैसा गाढ़ा जूस बन गया अभी इसमें डालेंगे बर्फ
देखें डालते हैं जी बर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाएंगे भाई गर्मी का मौसम और ये ठंडा ठंडा जूस हो, माशाल्लाह क्या बात है भाई। आप भी बनाए अपने लिए बच्चों के लिए। डालते हैं गिलास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा बर्फ डालेंगे। इस गिलास में भी डालते हैं। बाकी जूस जग में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूध और आम का जूस बन गया। आप भी बनाएं इसी तरीके से, इंशाल्लाह आपको जूस लाजवाब होगा। अल्लाह आपको नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था, चाहेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोस का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखें, और हमें अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।